हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आपके डिवाइस के अंदर स्क्रीन ऑफ ड्यूरिंग कॉल वाला प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर उसका सॉल्यूशन किस तरीके से जो है आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो जानने के लिए आप इस वीडियो को जो है पूरा देखना होगा, तो पूरा भाई वॉच करना। काफ़ी लोग जो है बीच में वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं, तो वीडियो को भाई पूरा देखना ताकि प्रॉपरली आपको पता चल सके किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बस मी वाई का डिवाइस होगा, किसी के पास गूगल डायलर वाला डिवाइस होगा, किसी का डिवाइस के अंदर सैमसंग का डायलर होगा, वन प्लस का डायलर होगा, रियलमी का डायलर होगा, तो काफ़ी सारे ऐसे डायलर्स होंगे। तो अभी मेरे फ़ोन के अंदर ये गूगल का डायलर है और ये रियलमी का डिवाइस है। तो ऐसे अलग अलग डायलर्स आपको जो है देखने को मिलते हैं। तो सभी के अंदर जो ट्रिक मैं आपको बताऊँगा, सभी के अंदर जो है एक ही ट्रिक काम करेगा। तो सबसे पहले आपके डायलर के ऐप इन्फो के अंदर जाना है। ऐप इन्फो के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको जो है स्टोरेज एंड कैशी के अंदर जाना है, ऐप डेटा के अंदर जाना, और यहाँ पर आपको इसका क्लियर कैश और क्लियर डेटा कर देना है। तो दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं देखने को, क्लियर कैश क्लियर डेटा दोनों को आपको कर देना है। तो क्लियर होने के बाद ये प्रॉपरली आपका जो है क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल ही न्यू टाइप में हो जाएगा। तो आपको कुछ सेटिंग्स नहीं करने हैं, बस यहाँ पर आपको इसको क्लियर कैश क्लियर डेटा कर देना है। उसके बाद बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको जो कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन इसके ऐप इन्फो के अंदर जाना है और इसका भी जो है आपको क्लियर कैश क्लियर डेटा कर देना है। तो इसका क्लियर कैश क्लियर डेटा मैं सिर्फ कैश कराऊंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है डेटा को क्लीन कर रखा है। उसके बाद डायलर को आप लोग ओपन करना। डायलर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका जो स्क्रीन ऑफ ड्यूरिंग कॉल वाला प्रॉब्लम वो आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके को करने के बाद जो है काफ़ी सारे डिवाइसेस के अंदर मैंने जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो इस तरीके को आप भी अपने डिवाइस के अंदर फॉलो करो, हो सकता है कि इस ट्रिक को फॉलो करने के बाद आपको जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो जो तरीका मैंने आपको बताया गाइस, ये जो है सभी के अंदर काम करता है। एंड यहाँ पर एक भी प्रॉब्लम ये भी होता है कि काफ़ी सारे लोगों को जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो ही ख़राब हो जाता है। तो देखो प्रॉक्सिमिटी सेंसर में होता क्या है, जब तक आप अपने एयर पर लगा के रखते हो अपने डिवाइस तो आपका स्क्रीन बंद होता है, जैसे हटाते हो आपका स्क्रीन चालू हो जाता है। ये होता है आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो अगर आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर खराब हो गया है तो खराब होने के बाद जो है आपको उसको ठीक करवाना होगा कहीं पर जाके। तो हो सकता है कि आपका कचड़ा वगैरह अंदर में फंस गया होगा, आपके डिवाइस के अंदर में मोबाइल के अंदर में जो है कचड़ा वगैरह फंस गया होगा, तो आप उस वजह से आपको जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर वो काम नहीं करता होगा। तो उसके लिए भाई जो है आपको शॉप में जाना होगा या फिर किसी दुकान में आप चले जाना या फिर सर्विस सेंटर भी आप जा सकते हो, वहाँ पर आपको क्लीन करवा देना है। जहाँ पर भी आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर, वैसे आपको नॉर्मली कैमरे के ऊपर ही होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, तो वहाँ पर आपको जाकर इसको साफ करवा देना है। और हो सकता है कि उसको करने के बाद जो है आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम करने लगे और आपका स्क्रीन ऑन ऑफ होने लगे, कॉलिंग के टाइम पर आपका स्क्रीन ऑफ ना हो। एंड मैं आपको एक सेटिंग बता रहा हूँ जिसको अगर आप करते हो तो इससे आप कॉल कट सकते हो अगर आपका स्क्रीन ऑफ भी है। तो यहाँ पर आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद एसेसिबिलिटी में जाना है। एसेसिबिलिटी में पावर बटन एंड कॉल नाम में एक फीचर आपको देखने को मिलेगा, इसको ऑन कर देना। इससे होता क्या है कि आपका स्क्रीन अगर ऑफ भी हो जाता है तो बस आपको पावर बटन को प्रेस करना है और आपका कॉल कट हो जाएगा। यही था इस वीडियो, मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में।